गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी व सौरधर्म समाज की ओर से अजमेर जिला कलेक्टर को रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले फल सब्जियां दूध व खाद्य सामग्री की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्योंकि 13 अप्रैल से नवरात्रि व 14 अप्रैल से रमजानुल मुबारक शुरू होने जा रहे हैं, 30 दिनों के रोजों में हर वर्ष फल सब्जियां व दूध खाद्य सामग्री पर दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा हालात में जबकि पूरा एक साल कोविड-19 के चलते हर व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, इन हालात को देखते हुए राज्य की सरकार को कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को रमज़ान व नवरात्रों में अतिरिक्त भार उठाना ना पड़े। गद्दी नशीन पीर सैयद फ़ख्र कासमी ने कहा कि कलेक्टर को गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी व सर्वधर्म के लोगों द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मोहम्मद नज़ीर कादरी, एडवोकेट रुबीना बानो, नासिर अली, एडवोकेट अनीता, सरदार भजन सिंह, सिम्मी सलीम पठान, इकबाल, वसीम चौहान, सैयद मुजम्मिल अली, सदरू कुरैशी, रियाज मंसूरी, फरीद बंदूकिया वे बड़ी संख्या में सर्वधर्म समाज के लोग मौजूद रहे। आज हम मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को उनके नाम आज ज्ञापन देने आए हैं कि सभी धर्म के जितने भी आते हैं, ये अपने जैसे रमजान आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, इनमें फल सब्जियां के भाव इतने तेज़ हो जाते हैं कि गरीब इंसान खा ही नहीं सकता, और तेलों के भाव आसमान छू रहे हैं, और हर चीज़ में इतनी महंगाई कर दी गई है कि इनसे राहत नहीं मिल रही हमें। और हम यही चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी को, अब ये अशोक गहलोत जी को ये देने आए हैं विज्ञापन कि इसमें हमें कम से कम राहत दी जाए। आपका नाम बताइए। भजन सिंह। हाँ बताइए। हाँ रोल। हम गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी से हैं और हम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को कि जो जो भी त्यौहार आते हैं, किसी भी धार्मिक विशेष का हो, उस टाइम पे जो एक वर्ग विशेष है, व्यापारिक संघ जो है, उस टाइम पे खाद्य सामग्री है, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, इसकी रेट बढ़ा देते हैं, उससे जो मध्यम वर्ग और गरीब तबका है उनको बहुत परेशानी होती है। और पिछले एक साल से जो विश्वव्यापी महामारी फैली हुई है उसकी वजह से जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके पहले ही आर्थिक तंगी के कारण कमर टूटी हुई है, और उसके बावजूद ये लोग इन सब खाद्य सामग्री में रेटें बढ़ा देते हैं, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी एक निवेदन है कि वो उस जो ये गरीब तबका है उसके लिए इन सब पे अंकुश लगा करके और उनके लिए थोड़ा राहत प्रदान करें। आपका नाम बताइए। रुबीना बानो, एडवोकेट। आईटी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पेश कर रहे हैं जिसमें ये नवरात्रे और रमजान का महीना, उसमें गरीब आम जनता अपने व्रत रखती है और इसी टाइम में ये विशेष वर्ग ये जो खाने की खाद्य सामग्री, फल फ्रूट और सब्जियों, इनमें बढ़ोतरी कर देती है, जिससे कोरोना काल में गरीब आम जनता बहुत परेशान होती है। तो हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि जितने भी सभी धर्म के जो भी त्यौहार होते हैं उस टाइम पर जितने भी ये खाने की सामग्री हो, फल फ्रूट हो, इन चीज़ों पे इनकी महंगाई पे अंकुश लगाए। आपका नाम बताइए। अनीता रावत। Thank you.